गृह मंत्री और भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह शनिवार को पहुंचे पटना। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर अमित शाह का भव्य स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह ने होटल मौर्या में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी MLC संजय मयूख, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बिहार के पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए। स्थानीय घटना के चलते अमित शाह का ससाराम कार्यक्रम रद्द हो गया है। अब वे नवादा के हिसुआ में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बैठक में शामिल बीजेपी MLC संजय मयूख ने कहा कि ससाराम के कार्यक्रम को बिहार सरकार ने रोका है। हमारा कार्यक्रम है नवादा की रैली को संबोधित करेंगे, लोकसभा रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन ये पटना में भी और कार्यक्रम है? नहीं नहीं, अभी कार्यक्रम जो हमारे पार्टी का कार्यक्रम है वो नवादा में रैली है। पार्टी के नेताओं से मुलाकात होगी निश्चित तौर पे। सासाराम का जो कार्यक्रम था संजय जी, वो कैंसिल हो गया है, क्या लगता है? एक बड़ा फीडबैक है, सासाराम में कार्यक्रम होना चाहिए था। उसके संदर्भ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट बताया है कि उस कार्यक्रम को सरकार ने रोका है। तो नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, हमने तो सारे लोगों को सुरक्षा दिया। सरकार क्या कह रही है, एक तरफ 144 धारा लागू करती है और दूसरी। इधर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि अगर ससाराम की सामान्य स्थिति रहती है तो जाने में फिर क्या दिक्कत थी। बिहार की सामान्य स्थिति अगर जो ससाराम की रहती तो फिर जाने में कहाँ दिक्कत था। सदन के अंदर भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, एक माननीय विधायक ने विषय को उठाया भी था, तो चलते सदन में बिहार के अंदर कोई भी घटना और किसी भी तरह का शांति का वातावरण बनता है तो अवगत कराना चाहिए था ना। तो कहीं न कहीं इसको दाबने का प्रयास किया गया। बता दें कि सूबे के हालात को लेकर अमित शाह ने बिहार की कानून व्यवस्था पर राज्यपाल से बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक 10 पैरामिलिट्री की कंपनियों को बिहार भेजा गया है, जिसमें CRPF, SSB और ITBP के जवान शामिल हैं। पंजाब के CTV के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।